अब आपके सामने चार्ट है न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर का। न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर ऊपर गया, फिर बहुत मतलब 750 से गिर के नीचे आया था एक बार। ये मतलब 600 रुपये से गिर के यहाँ इसने लो लगाया है 200 रुपये का, तो 200 रुपये तक आ चुका था। फिर से ये चला गिरा, पर जब इसने रिटर्न दिए देखो 400 वाला 1300 1200 रुपये हो गया। मतलब जब रिटर्न देने की बात आती है तो ये बहुत जोर से चलते हैं आईटी शेयर्स, इसको होल्ड करना होता है। वैसे हमने कंपनी आज हम देखने वाले हैं जिसका चार्ट अभी अच्छा है, सस्ती कंपनी है और रिजल्ट्स भी अच्छे आ रहे हैं, तो वो एक शेयर हो सकता है जो आने वाले टाइम में आपको इस प्रकार के रिटर्न देते हुए मिल सकता है। चार्ट देखते थे पहले, ये रहा कंपनी का चार्ट। बहुत लंबा कंसोलिडेशन रहा, 2022 में पीक लगाया इसने 230 240 का, वहाँ से अभी 100 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रहा है। तो और यहाँ एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन होगा, यहाँ पे हम लगा सकते हैं एक बड़ा सा बॉक्स, एक ये बॉक्स पैटर्न लग गया है यहाँ पे। और अब आपको रेंज मिल गई, 108 पे आपको खरीदना, आपका स्टॉप लॉस होगा 70 पॉइंट का, 30 35 पॉइंट के नीचे रिस्क लेनी है, 70 का स्टॉप लॉस। और ऊपर ऊपर हम पहला टारगेट रखेंगे 200 का, यहाँ से 100 पॉइंट ऊपर। और बड़ा टारगेट जो मैं जो सोच रहा हूँ, ये शेयर आने वाले टाइम में जाएगा, बहुत ऊपर जाएगा, तो इसमें मेरा टारगेट है 1000+ का। 1000+ के टारगेट आपको इस शेयर में देखने मिलेंगे, तो इसे आपको यहाँ से हर एक डिक्लाइन पे बाय करना है। कहाँ तक बाय करना है, इसको आप 80 रुपीज़ तक बाय कर सकते हो, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस 70 रुपीज़ का होना है रहने वाला है। तो आप 80 रुपीज़ के आसपास अगर मिले तो इसको तुरंत बाय कर लेने का है, 10 रुपये का फिर स्टॉप लॉस बनेगा। और ऊपर टारगेट हम 200 से लेके 1000 तक के इसमें रखेंगे। ये आईटी शेयर जिस हिसाब से चलते, अगर ये रिटर्न देने पे आ गए तो ये बहुत तगड़ा रिटर्न दे के चले जाते, इसलिए मैं कह रहा हूँ ये शेयर आपको नज़र में रखना है। कंपनी का नाम है ट्राइजिन टेक्नोलॉजीज। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, 335 करोड़ की कंपनी की बुक वैल्यू है 221, तो बुक वैल्यू के नीचे काम कर रही है अभी भी, बुक वैल्यू के नीचे काम कर रही है। स्टॉक का पी काफ़ी सस्ता है, 9 के पी पे काम कर रही है। 9 का कैपिटल रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी 5% है, तो ये तो बहुत कम है। बट इसकी बुक वैल्यू 221 है और अभी 100 रुपीज़ पे चल रहा है, तो ये एक पॉजिटिव बात है। अब कंपनी करती क्या है, ये आईटी कंपनी है, प्रोवाइडिंग आईटी सॉल्यूशन एंड सर्विसेज टू ग्लोबल क्लाइंट्स। ट्राइजिन डिलीवर्स एंड टू एंड क्वालिटी एंड कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन एंड सर्विसेज विद ऑपरेशन वर्ल्ड वाइड। तो आईटी से रिलेटेड कंपनी है, यह आपको पता चल गया। ऑफशोर डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस सॉल्यूशन एंड सर्विसेज, स्टाफ मैनेजमेंट, मैनेज सर्विसेज, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग का काम ये करती है। इंडस्ट्री अलायंसेस, ट्राइजिन हैज एस्टैब्लिश पार्टनरशिप विद लीडिंग टेक्नोलॉजी कंपनी लाइक माइक्रोसॉफ्ट, IBM, AWS, SAP, ओरेकल एंड अदर इंडस्ट्री लीडर्स। तो ये जो नाम देखे मुझे, माइक्रोसॉफ्ट, IBM, AWS, SAP एंड ओरेकल, ये नाम मतलब आईटी इंडस्ट्री में ये नाम सबको पता है, सबसे बड़े बड़े नाम है ये, और इनके साथ इन्होंने पार्टनरशिप की है। प्रेजेंस देखे तो कंपनी का जो प्रेजेंस है, 2500 रिसोर्सेज डेवलप इन 25 कंट्रीज अक्रॉस एशिया, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड अफ्रीका, तो इन कंट्री में कंपनी का प्रेजेंस है। मैनेज सर्विस एक्टिविटीज में देख सकते हो, प्रोवाइडिंग लार्ज स्केल मैनेज सर्विसेज, डिलीवर्ड लार्ज स्केल एंगेजमेंट ग्लोबली। तो ओवरऑल मुझे स्ट्रक्चर इसका अच्छा लग रहा है। द कंपनी कैरीड आउट मोस्ट ऑफ बिजनेस थ्रू इट्स सब्सिडरी एंड इट अकाउंट फॉर 97% ऑफ टोटल टर्नओवर ऑफ द कंपनी। सब्सिडरी से इसका जो बिजनेस आता है वो 97% आता है। द कंटिन्यू फोकस इज ऑन कंसल्टेशन ओवरहेड टू लिस्ट कॉस्टली जियोग्राफीज टू रियलाइज सेविंग्स, कंपनी का फोकस है। तो आने वाले टाइम में आपको कंपनी की बुक सुधरते हुए मिल सकती है। तो कंपनी की बुक अगर बनती है तो यहाँ से ये
मल्टीबैगर रिटर्न देगी। देखो 50 DMA में अपने 200 DMA को ऊपर की तरफ क्रॉस करने के लिए रेडी है, और जैसे ही ये क्रॉस करेगा इसमें आग लग जाएगी शेयर में। 109 वाला 200 तक जाएगा, ये मेरा याद रखो, 109 वाला 200 तक ये शेयर जरूर जाएगा। अभी सस्ता है, ले लो, मिल रहा है सस्ते में। बैलेंस शीट में देखो, रिजर्व 650 करोड़, बोरोइंग 7 करोड़, तो कंपनी डेट फ्री है। और अगर मैं इनकी बात करूं तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट थोड़ा सा घटा है इस बार, ओपीएम भी मार्जिन घटे हैं, बट आने वाले टाइम में आपको प्रॉफिटेबल होते हुए मिल सकते हैं। यहाँ देखो प्रमोटर के पास 44.51%, यूनाइटेड टेलीकॉम लिमिटेड के प्रमोटर जिनके पास 44.51% स्टेक है, एंड देन पब्लिक पब्लिक के पास है, पब्लिक के पास टोटल 55% स्टेक है इसमें से। तो पब्लिक भी इसमें अच्छा खासा होल्ड करते हो, प्रमोटर मतलब हाफ ऑफ क्वांटिटी हम इसमें बोल सकते हैं। पब्लिक में ये जो नाम है ये प्रमोटर ग्रुप के होते हैं, रिलेटिव्स एंड ऑल, तो ये पब्लिक में इनके नाम आपको देखने मिलते हैं। अब यहाँ देखो बल्क डील में कुछ बल्क डील है क्या इसमें, तो नहीं है। इनसाइडर ट्रेड में देखो 2021 में बेचे थे, बट 2021 में बेचे थे बट इसके बाद शेयर चल गया था बहुत ज़्यादा, इसने अच्छा 200 के ऊपर चला गया था। मंथली चार्ट देख कर देते एक बार, इसका मंथली चार्ट पे देख सकते हो शेयर 200 के ऊपर चला गया था। अभी फिर से वो एक अच्छे जोन में अवेलेबल है, ये जोन में अवेलेबल है, तो यहाँ से मेरे हिसाब से ये अगर एक चला तो ये फिर से 200 क्रॉस करके ऊपर के लेवल आपको दिखाएगा। तो ट्राइजिन टेक्नोलॉजीज का शेयर आप यहाँ से भी बाय कर सकते हो। देखो अपने ये जो लाइन है, टेन ई एम ए की, ये जो ब्लू लाइन है 10 EMA की, इसके ऊपर कैंडल बनी है, इसके ऊपर ही क्लोजिंग कर रहा है, तो ये एक पॉजिटिव बात है कंपनी के शेयर के लिए। तो इसे 200 के टारगेट के लिए होल्ड करके चल सकते हो। एक सौ पचास पे नेक्स्ट डाले, 150 निकल जाए तो 200, तो इसमें 100% आ ही जाएगा ये लेवल।